सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की दवाइयों को डिस्पोज करके फेंका जा रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में दवाइयों को फेंका गया है, जबकि जो मरीज हैं उनको अक्सर अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती हैं और अक्सर इन्हें पर्चे लिखकर बाहर की दवाइयां लाने को कहा जाता है। ऐसे में इतनी मात्रा में दवाइयों को कचरे में फेंक देना कई सवाल खड़े कर रहा है, जबकि इस बारे में बीएमओ से पूछने पर पहले तो वो इधर उधर बात घुमाते रहे और फिर कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके दौरान बॉक्स में कुछ बोतलें टूट जाती हैं, उन्हीं को फेंका जा रहा है। लेकिन आप खुद ही देखिए कि स्क्रीन पर जितनी मात्रा में दवाइयां कचरे के ढेर में पड़ी हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये बोतल बॉक्स में फूट गई हो, जबकि अधिकांश बोतल प्लास्टिक की होती हैं। यहाँ पर हजारों की कीमती जो दवाइयां हैं वो डिस्पोज करके फेंकी गई हैं। शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी शशिकांत। जिस हिसाब से जितनी बोतल्स यहाँ पर दिखाई दे रही दवाइयों की, कहा जा रहा है अब तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर हो रहा है, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जितना स्टॉक आया वो पूरा ही टूटा हुआ था। जी, पूरा ही टूटा हुआ था सर। बताना चाहूंगा कि वहाँ की जो स्थिति थी, जो एक्सपायरी थी, दोनों दवाइयों को डिस्पोज करके फेंका जा रहा था, और दवाइयों को बगैर डिस्पोज नहीं किया जा रहा था, बाहरी में बहा दिया जा रहा था। जिसकी शिकायत अब हम लोग को मिली थी उसके आधार पर हम लोग ने वहां जाकर कवरेज किया था। ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? कहना है कि हमने जो एस्पायरी और जो डिस्पेंटल थे उन दवाइयों को प्लास्टिक के डब्बे को दिया गया है। इस तरह का किसी तरह अनुपयोगी वस्तुओं को डब्बे को दिया गया है। ठीक है शशिकांत, जिस तरीके से ये जो बोतल्स मिली हैं इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? जितनी भी शिविरें और अनेक लोगों को जनहित में बांटी जानी दवाइयां हैं उनको नहीं बांटी जा रही है। बीएमओ की इसमें साफ लापरवाही देखी जा रही है। अभी खड़गोरा एसडीएम ने वहां जाकर मौके की निरीक्षण किया तो वहां भी स्टोर में अव्यवस्था देखी गई है। ठीक है, और अब इसके बाद कोई जांच या किसी प्रकार की कोई जांच का आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी? एसडीएम मैडम ने बताया है कि दो 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 दिवस भीतर उनके ऊपर जानकारी मांगी गई है, किस तरह की लापरवाही हुई है। शुक्रिया आपका शशिकांत, तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग किस तरह से सरकार के पैसे का चूना लगा रही है, सरकार को ही और जनता को लूटने का काम कर रही है। जिस तरीके से ये दवाइयां फेंकी गई हैं, इतनी मात्रा में फेंकी गई हैं, जाहिर है इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू जरूर आ रही है। सिवनी मालवा